अपाहिज वृद्ध को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, अधिकारियों की लापरवाही के चलते बंद हुआ शासन से मिलने वाला लाभ। भारत सहित मध्य प्रदेश सरकार हर गरीब तबके को शासन की योजना का लाभ दे रही है। इस लाभ में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास योजना, लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना सबसे महत्वपूर्ण है, पर जिला प्रशासन और जनपद पर बैठे अधिकारियों और पंचायत की लापरवाही के चलते एक वृद्ध परिवार सभी योजनाओं से अछूता है और बीमार मदद की राह देख रहा है। मामला सिवनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कानीवाड़ा ग्राम मुख्यालय का है, जहां वार्ड क्रमांक 10 में सहतर लाल साहू उम्र 70 वर्ष पत्नी के साथ निवास करता है। इन दोनों ही पति पत्नी वृद्ध को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक 10 की पंच और ग्रामीणों ने बताया कि इन्हें ना ही तो आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही उज्ज्वला योजना का लाभ। इतना ही नहीं, लाडली बहना योजना का लाभ भी इन्हें नहीं मिला। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन की वृद्धा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना का लाभ भी मिलना इन्हें बंद हो गया, जिस कारण यह दोनों पति पत्नी दंपति को खाने के अब लाले पड़ गए हैं। जब इस बात को लेकर हमारी टीम ने जानकारी हासिल की तो पता चला कि एक वर्ष से दोनों दंपतियों के शासकीय योजनाओं के लाभ बंद कर दिए गए, जिसके जवाबदार सिर्फ और सिर्फ जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही है, जिस कारण पति पत्नी दंपति को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जब हमारी टीम भाजपा विधायक और कांग्रेस विधायक के पास पहुंची तो भाजपा विधायक दिनेश राय ने जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों को मामला संज्ञान में लाने की बात कही, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह ने जनपद के अधिकारियों और कर्मचारियों की तानाशाही की बात कहते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ वृद्ध अपाहिज को मिलता है या फिर अधिकारी लीपापोती कर योजनाओं का फिर मजाक बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस न्यूज नेटवर्क टीम, सिवनी। और आपको कोई योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। आपकी कोई पेंशन? लाडली बहना का लाभ नहीं मिला? फॉर्म वगैरह भरी थी कि नहीं? भरी थी, देखो वही तो हम भैया पकड़े नहीं पावे। खाना काय से बनाती हूँ? चूल्हों से। उज्ज्वला योजना वगैरह का लाभ नहीं दे? गल्ला मिलता है कि नहीं? मिला था। गल्ला बस मिलता है? छोटा सा जो मकान है, आवास योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? नहीं है। अरे भैया, इनको शासन के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी सेवाओं का लाभ नहीं मिला है, और सेवाओं का लाभ ना मिलते हुए खाने पीने की बहुत समस्या है। चूल्हे में बनता है खाना, लकड़ी की भी बहुत समस्या है, और बाकायदा लाइट तो है, बाकी दद्दा को बहुत दिक्कत है। पेंशन भी बंद है, एक साल हो गए। इसकी जानकारी ग्राम पंचायत को दी गई थी, लेकिन पता नहीं आगे कुछ हुआ ही नहीं। घर कमजोर है, दादा भी कमजोर है, मतलब चल फिर नहीं सकते, कभी भी गिर सकता है ये, इसलिए शासन के द्वारा ये घर बनवाया जाए, ऐसी मेरी विनती है। वार्ड में समस्या ये है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई नहीं है, दोनों मियां बीवी रहते हैं, उनके हाथ पैर भी नहीं, यानी कि अभी देखो आप खुद उनके हालात, बिस्तर में पड़े हैं, और उनको पेंशन भी नहीं बन रही। मैं खुद उनको पंच वहां गई पंचायत लेके, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बन रही, ना कोई सहायता नहीं। इनको सरकारी आवास वगैरह का लाभ कुछ नहीं मिला है? दे तो घर है उनका टूटा फूटा, और उनकी जो मिसेस है, उनकी घर वाली, उनको भी लाडली बहना की नहीं मिली, बनी नहीं। कब से पेंशन नहीं मिल रही इनको? लगभग साल हो गए, सात आठ महीने, एक आध साल ही होगा जैसे, और उनकी घरवारी को भी नहीं मिल रही लाडली बहना की योजना, तो वे बहुत मुसीबत में है जटे, सहायता जरूरी है। तो अभी तो वर्तमान में मैंने ऑनलाइन कर दिया है इनका, आने वाली अगले महीने से इनकी पेंशन सेक्शन हो जाएगी, की वजह से होने पाई। किस कारण से इनकी पेंशन जो है बंद हुई थी? इनकी समग्र आई डी में त्रुटि बस महिला दर्ज हो गया था, फिर समग्र आई डी में इनने केवाईसी करवाए तो दुरुस्त हो गया, इस वजह से इनकी पेंशन बंद हो गई। तो ये मेरे संज्ञान में अभी आया अचानक मीटर के टाइम पे, तो मैंने आवेदन इनका ले लिया हूँ और ऑनलाइन भी कर दिया, आने वाले महीने से इनकी पेंशन चालू हो गई। मेरे को जानकारी लगी कि जो सहतर साहू जी हैं, उनकी पेंशन विगत एक लगभग एक साल से बंद है, और उनके नाम पे कुछ त्रुटियां आई हैं, केवाईसी जो होती है उसमें शायद उनके नाम को महिला, उनके नाम की जगह में महिला नाम हो गया है, स्त्रीलिंग हो गया है पुल्लिंग की जगह में, इस कारण उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही, और उन्होंने आवेदन निवेदन बहुत किया है, ये कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग की लापरवाही है, और इस कारण इनकी पेंशन नहीं मिल पा रही। मेरे जानकारी में आई है ये बात, मैं उनसे जाके मिलूंगा और
जनपद में उनको कागज डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि भैया इनने एक साल से आवेदन निवेदन ये लोग कर रहे हैं, आप लोग इनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। विकलांग भी है वो, और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों पैर से विकलांग हैं और बिस्तर में डले हुए हैं। प्रयास हो सकता है सुधरवाने का, मैं संभव आज ही करूँगा। मैं देखिए, जैसे आपने मुझे अभी संज्ञान में लाया है कि दिव्यांग व्यक्ति की मिलती हुई पेंशन बंद हो गई और उसकी कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी में विभागीय गलतियों की वजह से श्रीमती लिख दिया गया और उसकी आईडी बंद कर दी गई, जब उसने आपत्ति लगाया तो उसमें मैं मानता हूँ कि जनपद को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, सीओ को, सचिव को, और तो वहाँ एसडीएम जो बैठे हैं उनकी भी जवाबदारी है। आपका कहना वहाँ के जनप्रतिनिधि का संज्ञान में नहीं ले रहे हैं इस मामले को। मैं तो ये जानता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि उनकी ड्यूटी बनती है तत्काल बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं और उस गरीब को कम से कम न्याय दिलाएं। आपने मुझे संज्ञान में लाया है, मैं अभी तत्काल बड़े अधिकारियों से बात करता हूँ, उसको जल्दी जल्दी निराकरण कराने का काम कराता हूँ। मेरी जहाँ तक जानकारी में है उसमें मुझे ये पता चला है कि पहले शासन की योजना के तहत उसे सुविधाएँ मिलती थी, पर बाद में उसको ना जाने क्यों किस नियम के तहत उस जो हमारा विकलांग साथी है उसको लाभ मिलना बंद हो गया। और जैसे ही मीडिया ने इस बात को उजागर करने का काम किया तो फिर मुझे जानकारी मिली कि रातों रात उसके घर में राशन और सारी व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम किया गया। ये सिवनी ज़िले के शासन की स्थिति है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूं। इसमें एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं जो मेरी जानकारी में आई है कि लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए उसको विकलांग पेंशन भी नहीं मिल रही है, जो शासन की तरफ से लोगों को चाहे निराश्रित पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे और भी अन्य प्रकार की जो योजना के तहत लोगों के जीवन यापन के लिए जो सरकार पेंशनें दे रही हैं वो भी उसको 4 महीने से उसका उनको लाभ नहीं मिला है। और जो राशन मिल रहा है जो शासन की नीति के तहत 35 किलो अनाज मिलना चाहिए उसमें मात्र और मात्र केवल चावल ही दिया जा रहा है, बाकी अन्य चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं।